मैं घर पहुंचा हूँ, चेंज किया है और मैंने सोचा चंदे के मिनट लाइव आके आप लोगों के साथ डिस्कस हो जाए और मज़ीद आप लोगों को मैं अपना कमरा जो है वो भी दिखा देता हूँ। और एक कमरा दिखाना मकसद नहीं था, कुछ चंद एक चीज़ें मेरी इसमें ऐसी अचीवमेंट पड़ी हैं जो आप लोगों से शेयर सोचा कि शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है रूम में, पंखा चल रहा है उसके बावजूद पसीना आ रहा है। तो आप लोगों को सबसे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखें, शायद मुझे लगता है आप लोगों को उल्टा नज़र आ जाए या सीधा है, देखना पड़ेगा। इस तरह भी आ रहा है वैसे ही। ये मेरी शील्ड है, दामन सपोर्ट प्रोग्राम, जिस इदारे में मैं जॉब करता हूँ। ये मुझे ना वहाँ से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे मिला था, मतलब एम्प्लॉई ऑफ दी ईयर, सालाना अवार्ड, साल की बेहतरीन। बात कर रहे थे कि एप्रिसिएशन मायने रखती है, पैसा मायने नहीं रखता, क्योंकि पैसा आने जाने वाली चीज़ है, तो इस ये ज़्यादा कोई इतना वैल्यू नहीं रखता। ये चारों कोल शरीफ लगाए हुए हैं मैंने अपने रूम में, तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में एक चेंजिंग शीट है जो यहाँ पे लगी हुई है। और आप ये चेक कर सकते हैं, ये बुक्स पड़ी हैं, ये मेरी लॉ की किताबें हैं। आप लोगों को मैं चेक करवा देता हूँ, लॉ ऑफ एविडेंस एंड लीगल एथिक्स, ये मेरी वकालत की किताबें हैं जो आप लोग देख रहे हैं। उसके साथ बाकी आप लोग ये रूम में रहे, ये चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों का दिल माने तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कर दें। और अगर आपका दिल ना माने तो इसमें कोई फोर्सफुली नहीं करवाया जा रहा, बाकी आप लोगों का प्यार है तो मैं ये बुला नहीं सकता। इंशाल्लाह ये साथ साथ चलता रहेगा। तो बाकी हमेशा एक चीज़ मकसद बनाया हुआ है कि जिस फील्ड में भी जाएं उसमें अपना नाम कमाएं, इज़्ज़त कमाएं। यही चीज़ है जो आपके काम आने वाली है, आप लोगों के काम आए, लोगों का प्यार, मोहब्बत, एहसास, इससे बढ़कर हमदर्दी, इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। बहुत जगह पे आपके खून के रिश्ते भी आपको मतलब उस तरह प्रेफर नहीं करते, वैल्यू नहीं देते, या वो मकाम नहीं देते जो कि एक आपके एहसास के रिश्ते वो आपको देते हैं। और बाकी हर बंदा अल्लाह पाक का बनाया हुआ है, अल्लाह पाक। मिलते हैं फिर दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो में, बशर्ते ज़िंदगी बफ़ज़ले खुदा ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अभी पहले भी नमाज को काफ़ी टाइम ओवर हो गया है, तो अभी नमाज पढ़ते हैं जाके और फिर सोने की तैयारी करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके, अपने हिफ्ज़ो, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपनी मोहब्बतें जो हैं वो हम पे निछावर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।